हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे ये वर्बीना के प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये देखिए, ये वर्बीना के प्लांट हैं, ये सीजनल प्लांट हैं। अब ये सर्दी में विंटर फ्लावर हैं और ये सीड से भी बहुत अच्छी तरह उग जाते हैं। शायद मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसकी, सीड ग्रोन के लिए भी लगाए हुए हैं। तो ये जो प्लांट हैं, ये अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है, बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ उस हिस्से में लगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये धूप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये प्लांट्स। खूब गर्मी और धूप जहाँ होती है वहाँ ये अच्छी तरह से उगते हैं। अगर आप इनको थोड़ी सी छाया वाली जगह में लगा दोगे तो फिर इनमें अच्छी तरह फूल भी नहीं आते हैं, और छाया वाली जगह में इनको आप लगाओ तो ये बीमारियों को भी बहुत जल्दी कैच करते हैं। फटाफट पौधे पे बीमारियां लग जाती हैं और वो पौधा मर जाता है आपका, और फूल तो फिर आते ही नहीं है या कम आते हैं बहुत। तो जितनी ज़्यादा आप इसको धूप में रखोगे ये उतना ही अच्छी तरह से फूल देगा। जैसे पिटूनिया को धूप चाहिए, इसको भी सबसे ज़्यादा धूप सर्दी के फूलों में इसको चाहिए। गजानिया को बहुत धूप चाहिए होती है। तो ये बहुत सन लविंग प्लांट है, इनको धूप में रखें आप। और फिर जो ये प्लांट का जो फूल है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। एक बार जैसे फूल खिल गया तो वो बहुत दिनों तक आपका चलता रहता है वो फूल। तो इसलिए ये जो है वो कलर बहुत अच्छा ऐड करते हैं। और कलर्स देखिए इसमें कितने आते हैं। मेरे पास तो इतने ज़्यादा सारे कलर नहीं है, फिर भी ये देखिए, ये रेड है, प्योर रेड है, इसमें कलर है, वाइट कलर का शेड है, ये पिंक है, ये वाइट है, वो देखिए पर्पल है, ये दोनों पिंक हैं शायद, ये दोनों सेम है पिंक, ये दो रेड और दो पिंक एक से हैं। ये देखिए, ये भी इसका थोड़ा अलग लाइट कलर है। एक और है, उसमें अभी फूल नहीं आए हैं, पता नहीं कौन सा रंग होगा। तो इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं। और अगर आप इनको क्यारी में लगाते हैं तो ये ऐसे स्प्रेड होते हैं और एकदम ऐसे क्यारी आपकी एकदम एक ही साइज़ के, एक ही लेवल पे ऐसे लगे हुए फूलों से बहुत प्यारी लगती है। और इसको, ये थोड़ा सा ड्राउट टॉलरेंट प्लांट भी है। इसको जो पानी की थोड़ी सी कमी हो जाए, आप एक दिन थोड़ा देना भूल जाए, तो इतना इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी जब हम गमलों में लगाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसकी मिट्टी को मॉइस्ट ही रखें। बहुत ज़्यादा अगर आप इसकी मिट्टी को ड्राई कर देते हैं, बार बार ड्राई करते हैं, तो फिर इस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है और फूलों की क्वालिटी में भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको फूल बहुत अच्छे और हर वक्त खिले हुए फ्रेश चाहिए तो इसकी मिट्टी को हमें मॉइस्ट रखना पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि थोड़ा एक दो दिन अगर हम बाय चांस भूल जाएं, सूखी रह जाए मिट्टी, तो फिर ये बर्दाश्त कर लेता है उसको, ये कंडीशन को इसको बुरी नहीं लगती है कि एक दिन पानी नहीं दिया। हाँ, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसके लिए अच्छा नहीं रहता है, फिर इसमें फंगस भी हो जाती है, फूल भी कम आने शुरू हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप इसकी मिट्टी को ज़्यादा सौगी सी कर दोगे तो भी इसमें फूल आने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इसमें फंगस लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, थोड़ा सा। ये देखिए, जैसे ये वाला आप गमला देख रहे हो, बस थोड़ी सी मॉइस्ट रखनी है इसकी मिट्टी को, ज़्यादा गीली नहीं रखनी है, उससे इसके फूल भी कम होते हैं और जैसे मैंने कहा इसको फंगस बहुत जल्दी लगता है और ये जो है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो एक तो जैसे मैंने कहा इसको ड्राउट टॉलरेंट है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए कि हम मिट्टी में पानी दें और एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और उसमें पानी रुके नहीं मिट्टी में। तो उसके लिए कैसी मिट्टी लेंगे, एक हिस्सा सॉयल अपने यहाँ की, अपनी गार्डन की जो सॉइल होती है, एक हिस्सा सैंड लेंगे, सैंड जो कंस्ट्रक्शन में बजरी काम आती है, जिसे रिवर सैंड भी कहते हैं, वो लेंगे, और एक हिस्सा इसमें हम खाद लेंगे। देखिए, खाद जो होती है वो न्यूट्रिशन तो देती है प्लांट को, साथ ही खाद क्या करती है कि प्लांट की मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट भी रखती है, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करके भी रखती है खाद। तो खाद इसलिए हम लोग सारी मिट्टी में 1/3 पोर्शन डाल लेते हैं। और जब आप इनको लगाएं तो थोड़ा सा जो मिट्टी तैयार करें तो थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर भी डाल लें और 1 चम्मच सरसों खली डाल लें और 1 चम्मच नीम खली डाल लें, एक गमले के लिए बता रही हूँ मैं। और जो सीजनल प्लांट्स जितने भी हैं आपके पास, वो आप ऐसे 9 इंच के गमलों में लगाएं फ्रेंड्स, तो ये सबसे अच्छे ग्रो करते हैं। देखिए, 9 इंच के गमलों में एक एक पौधा लगाएं आप, कोई भी प्लांट हो, जितने भी सर्दियों के प्लांट्स हैं,
आप सारे 9 इंच के गमलों में लगाइए, या फिर देखिए मैंने ये इसको लगाया हुआ है 12 इंच के कुंडे में, इस कुंडे में मैंने लगाया है, तो ये दो पौधे लगाए हैं एक साथ। मैं कुंडों में भी बहुत लगाती हूँ, लेकिन इनको थोड़ा सा 9 इंच वाले में एक एक इसमें लगाओ तो हमें फिर दो दो पौधे लगाने पड़ेंगे, दो दो तीन तीन, तो उससे अच्छा रहता है एक एक पौधा हम 9-9 इंच के गमले में लगा दें, उसको जगह, उसकी जड़ों को फैलने की जगह भी ज़्यादा मिलती है और पौधे को फैलने की जगह भी ज़्यादा मिलती है। ये हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ट्रेल करते हैं बाहर की तरफ, तो बहुत प्यारे लगते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत लगाए जाते हैं वर्बेनास। और जब मैंने कहा वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, हाँ इसको जो न्यूट्रिशन जो होता है, खाद बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है इस प्लांट को, जैसे मतलब जिसको अपन कहते हैं ना बहुत हैवी फीडर नहीं है ये प्लांट, तो फिर बस यही है कि हर 15 दिन में एक बार, जैसे मैं बताती हूँ जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जो भी हैं उनमें 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, सबसे ईजी तरीका ये है कि जो आपके पास खाद है उसको आप ओवरनाइट भिगो दीजिए, उसमें थोड़ी सी सरसों कली डाल दीजिए, एक बाल्टी में एक मुट्ठी सरसों कली डाल दीजिए, दो तीन मुट्ठी खाद डाल दीजिए, सबसे आसान सा तरीका जो इजी सी बनाना चाहते हो। और जैसे परमानेंट बना के रखना चाहते हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होके वो और ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है, लेकिन आपके पास जगह नहीं है, नहीं है तो बस आप ओवरनाइट या एक दिन पूरा इसको भिगो के रखिए, एक बाल्टी में दो तीन मुट्ठी खाद, एक मुट्ठी सरसों कली और एक मुट्ठी नीम कली, और वो आप अपने पौधों को थोड़ी थोड़ी दे दीजिए, थोड़ा सा एक बाल्टी में भिगोया उसको डेढ़ बाल्टी कर लीजिए एक दिन बाद और पानी मिला के, और एक एक डब्बा आपने इनको दे दीजिए, वो इनके लिए बहुत है। और फिर सीजन में महीने में एक बार, महीने डेढ़ महीने में एक बार थोड़ी थोड़ी, जैसे ये 9 इंच का गमला है तो इसमें आधा आधा मुट्ठी खाद दे दीजिए, 12 इंच का है तो एक मुट्ठी महीने में एक बार देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, और लिक्विड आप हर 15 दिन में देते रहिए, तो आपके जो जो हम उसमें सरसों खली डालते हैं उससे फूल बहुत अच्छे आते हैं पौधों में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं इनको, और फूलों के लिए बहुत अच्छी होती है सरसों खली, तो इसलिए सरसों खली जरूर भिगो लें गोबर खाद के साथ, तो वो बहुत अच्छी लगती है। एक इन प्लांट्स को, क्योंकि ये सर्दियों के प्लांट्स हैं तो इनको थोड़ी सी आप एक एक चम्मच, अगर कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो जो बकरी की जो खाद आती है, बकरी की जो मिंगनियाँ आती हैं उनको पीस लें आप, किसी उससे कूट लें पत्थर वगैरह से कुछ, वो भी आप एक एक चम्मच सारे पौधों को दें तो वो भी बहुत अच्छी होती है इन सीजनल प्लांट्स के लिए। बकरी वाली जो खाद होती है वो बहुत पसंद करते हैं प्लांट्स, सीजनल वाले सर्दियों वाले जो होते हैं, तो वो भी इनमें बहुत अच्छी रहती है। और मैंने जैसे आपको कहा इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, फंगस हो जाती है, और अंडर वाटरिंग भी ज़्यादा नहीं करनी है, हालांकि जैसे मैंने अभी कहा ये ड्राउट टॉलरेंट है, आपने दो दिन पानी नहीं दिया तो पौधा ऐसे मरने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सूखा रखना शुरू कर देंगे प्लांट को तो इसमें जो है स्पाइडर माइट्स, कोई भी प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सूखे होने लग जाते हैं तो स्पाइडर माइट्स जो है वो सूखी कंडीशंस में ज़्यादा अटैक करते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि कोई भी आपके जितने भी पौधे हैं सर्दियों के, खाली वर्बेना नहीं है, आप 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें ताकि कोई फंगस कोई कीड़ा वगैरह सर्दियों में आपके प्लांट को नहीं लगना चाहिए। और ये बटरफ्लाइज को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो जहाँ आपने सब्जियाँ किचन गार्डन के आसपास भी लगाएं, ये लगाएंगे तो बटरफ्लाइज बहुत आती हैं इन फूलों पे, बड़े ब्राइट कलर हैं ये। और एक चीज़ की ये स्क्विरल्स वगैरह या जिनके यहाँ रैबिट हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं, तो जिनके यहाँ गिलहरियाँ बहुत आती हैं तो जहाँ से गिलहरी जिस तरफ से आती है वहाँ आप इन पौधों को लगा दें तो आपके यहाँ गिलहरियों का आना कंट्रोल हो जाएगा। तो और वैसे ये बड़ा मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है, होम्योपैथी की कई मेडिसिंस बनती हैं वर्बेना से, तो ये आप ये स्क्विरल्स के लिए भी अच्छा है, उनसे बचाने के लिए उस साइड लगा दें तो आपके ये स्क्विरल्स आएंगी नहीं। और जब हम प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया ये सीड से उग जाता है और कटिंग से भी उग जाता है ये, और ये जो वर्बेनास हैं ये सीजनल वर्बेनास हैं, सर्दियों में रहते हैं, अगर आप कोशिश करें तो शायद गर्मी में रह जाए। एक पेरिनियल वर्बेना आता है वो सारा साल रहता है, मतलब सारा साल क्या, दो तीन साल चल जाता है वो प्लांट, बहुत ज़्यादा तो नहीं चलता,
दो तीन साल, तीन साल तक चल जाता है वो प्लांट, गर्मियों में भी बच जाता है। अच्छा, अगर इसको आपको गर्मियों में बचा के रखना है तो आपको इसको तो पानी ज़्यादा नहीं देना है, बारिश में बचाना पड़ेगा, ज़्यादा पानी मिले तो मर जाएगा। जो पेरिनियल वाला है उसकी भी बात कर रही हूँ, लेकिन आपको ऐसी जगह रखना पड़ेगा गर्मी में उसको जहाँ मॉइस्ट रहे, अराउंड मॉइस्चर रहे। जैसे हम ग्रीन नेट वगैरह लगा देते हैं तो पौधों के बीच में जहाँ मॉइस्चर सा रहता है वहाँ पेरिनियल वाला जो दो तीन साल चलता है, ये जो है ये एनुअल वाली वेराइटी है, सर्दी सर्दी में चलता है ये। मैंने तो कोशिश की है, मेरा तो ये बचता नहीं है। कुछ लोग इसको भी ह्यूमिडिटी में रखें तो थोड़ा बच जाता है। आप लोग इसको कटिंग से भी उगा के देख सकते हैं, इसकी कटिंग्स तोड़ के लगें तो रूटिंग हो जाए तो देखें। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में जितना मुझे पता था सारा बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि सारी वीडियोस देखें तो आप डेली अपडेट लेना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।